श्रीमद् राजचंद्र पत्रांक 550 भाग 2 550 पार्ट 2 तारीख 21-10-1999। नमो यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोये सहसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदार्यो सर्वमंगल मंगलम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम देतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत 550 नंबर। सुभग भाई को ये पत्र लिखा है, इसका पहला पूर्वार्ध जो है 548 नंबर में था, 550 में एकदम बात को क्लियर कर दिया है। क्लियर मैंने क्या है कि आपने गलती की ऐसा बताना, और आपने कौन सी गलती की वो बताना, यहाँ पर कौन सी गलती की वो बता। 548 में वो गलती नहीं बताया, जनरल बात लिखी, सिद्धांतों की चर्चा और जनरल बात लिखी, और वो पत्र अधूरा रह गया था। और तकलीफ इतनी हो गई कि 4 साल से सिखा रहे हैं तो भी नहीं सीख रहे हैं, तो अभी तो उनको मुंह पे ही क्लियर बोल दो, जो गलती है वो पॉइंट आउट करके बोलो, क्योंकि इशारे में समझे ऐसी योग्यता उनकी नहीं दिख रही है। असल में क्या है कि वेरी फर्स्ट मीटिंग में ही कृपावदेव ज्ञानी पुरुष है, वो पहचान ले इतनी योग्यता आ गई, इसलिए विश्वास में पड़ जाएगा कोई भी जीव, इसकी ज्ञान की निर्मलता तो अच्छी है, सब बात समझ लेगा। तो शुरुआत में मुमुक्षुता अच्छी रहती है तो ज्ञान की निर्मलता रहती है, लेकिन बीच में जो ये परेशानी आई, जो कोई भी प्रकार की कठिनाई मुमुक्षु को अगर आवे और उसमें अगर जीव फंसे, तो जो ज्ञान की निर्मलता पहले थी वो ज्ञान की निर्मलता अब नहीं रहती है, वापिस ज्ञान मलिन हो जाता है। इसीलिए जो बिगिनिंग में इतना अच्छा शुरुआत किया सुभाग भाई ने, और 4 साल के बाद तो और ज्ञान खिलना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, वो तो हुआ नहीं, उल्टा बिगड़ गया मामला। और कांटेक्ट के कारण से ज्ञानी पुरुष ऐसा समझ ले रहे कभी, शुरुआत अच्छी थी तो अभी आगे तो अच्छा ही होगा, इतना अच्छा निर्मल ज्ञान है तो फिर आगे तो और बढ़ेगा, और फिर कॉन्टेक्ट भी रख रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं। चलो भाई सत्संग छोड़ देवे तो अभी बोले कि भाई चलो गिर गया होगा कि सही चलता होगा कि नहीं चलता होगा, लेकिन कांटेक्ट चालू है, वापिस पत्र व्यवहार चालू है, सत्संग चालू है, आज्ञा मंगाना, आज्ञा पे चलना, नहीं चले तो भी बोलना कि हम नहीं चल रहे हैं, परिणामों का निवेदन वो सब चालू है। फिर ज्ञान कैसे गिर गया, ज्ञान की निर्मलता कैसे गिरी, कि आत्म भावना शुरुआत में थी वो बदल करके अब और कुछ भावना बीच में आ गई कि इतना हो जाए तो अच्छा है। संसार में ऐसा कुछ आ जाए बीच में तब थोड़ा ये हो जाए तो अच्छा, ठीक हो जाए तो बाद में तो यही करना है बस, इतना सा भावना में कमी आने से पूरा मामला गोल। फिर आप चाहे जितना सत्संग करो, चाहे जितनी भक्ति करो, सब ओक भक्ति है ओक संगना है, चाहे जितना सत्संग करो नहीं के बराबर ही है, क्योंकि पल्ले तो कुछ पड़ता नहीं। 4 साल पहले जो बातें खास खास लिखी थी वो बातें फिर से करनी पड़ती है, कृपा को तो बहुत तकलीफ हो गई, इसलिए अब सोचा कि अभी मोगम में नहीं बोलना है, जो भी बोलना है ओपन कर दो, क्लियर कर दो, इसलिए 550 नंबर में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया वो चीज कि आपने दो प्रकार से हमारे पास से याचना की है, उसमें जो पहला प्रकार है सिद्धि योग आदि मंत्र तंत्र आदि, कोई चमत्कार, कोई कृपा, कोई आशीर्वाद, उन दो प्रकार की याचनाओं में प्रथम विदित की हुई है याचना तो किसी भी निकट भवि को करनी योग्य ही नहीं है। सर्वबंधन पाप हम करें या पाप के पोटले हम बांधे और कोई मुफ्त में थोड़ा आशीर्वाद से पूरा पोटला उतार देवे बिना भोगे,
ऐसी मुक्ति तो कभी किसी को मिलती नहीं है, मिलने वाली भी नहीं, और ऐसे मिले तो मतलब नहीं है। क्यों? कभी पाप का तो कोई डर रहेगा नहीं किसी को भी कुछ, चाहे जितना पापी भी होगा तो भी वो छूट जाएगा एक सेकंड के अंदर किसी की कृपा से, ऐसा संभव भी नहीं है। और निकट भविष्य को ऐसा मोक्ष तो चाहिए भी नहीं। क्या मोक्ष भी चाहिए तो मैं अपनी मेहनत करके, तो पूरी प्रामाणिकता से मेहनत करके, संसार की रुचि को संपूर्ण छोड़ करके मैं पाऊंगा मोक्ष। कहो निज शुद्धता, स्वयं के परिणामों की शुद्धि, जैसा द्रव्य शुद्ध है ऐसा परिणाम भी वितराग हो जाए, शुद्ध हो जाए, परम पवित्र हो जाए। और इसके लिए जो भी साधना करनी पड़े वो साधना संपूर्ण रूप से करके मेरे को मोक्ष चाहिए, किसी की मेहरबानी से मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। ये पहले ही चलने वाले को नक्की करना चाहिए, भावना वाले को, मोक्ष की भावना वाले, किसी की हेल्प होवे तो मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। स्वाधीनता, स्वाधीनता का नाम ही मुक्ति है असल में। हम कैसे भी रहेंगे, झोंपड़ी में रहेंगे, लेकिन स्वाधीन, किसी का अधिकार हमारे पे नहीं। कोई बोले ऐसा करो और हमको करना पड़े मजबूरी में जबरदस्ती से, वो हमको नहीं चाहिए, फिर मुक्ति का कोई मतलब ही नहीं रहा। मुक्ति का अर्थ ही वही है कि किसी के दबाव में नहीं, स्वतंत्र विहार और फिर भी संपूर्ण शांति, उसका नाम मुक्ति। इन दो प्रकार की यातनाओं में जो प्रथम जो यातना की गई, आशीर्वाद की, मंत्र अंतर की, चमत्कारों की, ऐसी यातना तो किसी भी निकट भविष्य को करने योग्य ही नहीं है, और अल्प मात्र भी अगर होवे तो उसका मूल से छेदन करना उचित है, क्योंकि लोकोत्तर मिथ्यात्व का वह सबल बीज है। मिथ्यात्व माने क्या, असम्यक्त्व माने क्या, पराधीन रहना वो मिथ्यात्व, स्वाधीन रहना वो सम्यक्त्व का कार्य है। इसमें आप वेरी बिगिनिंग से ही किसी की हेल्प चाहिए, ऐसा हो गया पराधीनता को आपने पसंद किया, स्वाधीनता को पसंद नहीं किया है, दूसरे के आधार से जीना सीखना है, अपने पैर पे खड़ा होकर जीना सीखना नहीं है। इसीलिए वो ऐसे याचना में पराधीनता होने से वो मिथ्यात्व का सबल बीज है। बीज दो प्रकार के होते हैं, एक तो फलवान होते हैं और एक नहीं भी होते हैं। ये तो ऐसा बीज है और इतना बलवान बीज है कि अब तो छूटने का कोई चांसेस नहीं है। जो शुरू से ही अपने आप को पराधीन कर लेता है और ऐसे पराधीन मुक्ति की कल्पना करके वो ऐसा ही चाहता है, दूसरे की मेहरबानी चाहता है, उसका रास्ता तो हमेशा के लिए बंद हो गया, क्लोज, क्योंकि वो मिथ्यात्व का सबल बीज है। ऐसा तीर्थंकर आदि का निश्चय है, तीर्थंकरों से लेकर के गणधर, आचार्य, ज्ञानी पुरुष, ये सभी का एक ही निश्चय है कि ऐसा तो मोक्ष चाहिए ही नहीं और होता भी नहीं है, और वो हमें तो स्वप्रमाण लगता है और हमको इनकी बात ठीक लगती है, बिल्कुल योग्य लगती है। कैसी अगर मुक्ति मिलती हो चमत्कारों से तो फिर मुक्ति की कोई वैल्यू नहीं है। ऐसी मुक्ति तो हमको नहीं चाहिए और ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है। दूसरी यातना भी कर्तव्य नहीं है, दूसरी यातना की नौकरी लगा दो या कोई लोन बोन दो या कोई बिजनेस में पार्टनरशिप दो, बड़े 90% आपका 10% हमारा रखो, पूरी मेहनत करेंगे, कोई ऐसी लाइन बता दो हमारे योग्य। ये दूसरी याचना भी कर्तव्य नहीं है, क्योंकि वो भी हमें परिश्रम का हेतु है। देखो एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। उपकारी की हम सेवा करना चाहिए, इसके बदले हम सेवा ले, तो मामला उल्टा हो गया है, गंगा उल्टी बह गई है। ज्ञानी पुरुष जो अपने को दे रहे हैं उसके बदले में तो सदगुरु के उपकार को तो हम चुका ही नहीं सकते। ये चमड़ी शरीर की उतार करके जूते सिला है तो भी उसका उपकार नहीं हो सकता है किसी भी हालत में। माँ बाप का उपकार भी नहीं चुकाया जा सकता है, वो जन्म देते हैं, हम जन्म नहीं दे सकते उनको। ऐसे सदगुरु का भी उपकार नहीं चुकाया जा सकता है, क्योंकि एक नहीं अनंत जन्म मरण से बचाया है। इनके पास इस प्रकार का परिश्रम देने वाली जब बात करें तो कर्तव्य नहीं है, मुमुक्षु की भूमिका में कर्तव्य नहीं है। ऐसे साधन भी वात्सल्य में एक दूसरे के ख्याल रखे, करुणा भाव रखे, एक दूसरे को हेल्प करे, वो साधन भी वात्सल्य अलग चीज है, और वो तो बिना याचना के होती है, प्रेम भाव से होता है। प्रेम वहां मांगना नहीं पड़ता है, ऐसा होता है, लेकिन यहाँ मांगने की बात हुई है, दीनता आई है, और वो भी ऐसे व्यक्ति के प्रति जो हमारे लिए भगवान है, दूसरे के लिए चाहे जैसा हो, क्योंकि अनंत जन्म मन से छुड़ाने वाला तारण हार है वो। ये जो मांगना के किया है
वो भी हमें परिश्रम का हेतु है, क्योंकि आपके लिए फिर वो आपके आत्मा की संभाल नहीं रख करके आपके संयोगों की संभाल रखना शुरू, एक आत्मा की संभाल रखे उसमें भी तकलीफ होती है, इतना भी ध्यान बाहर देना पड़ता है। और आपके संयोगों का भी ध्यान रखा जाए, आपके बिजनेस का, आजीविका का, सबका, तो बहुत परिश्रम हो जाए। इतना परिश्रम हम किसी के लिए उठाना चाहते भी नहीं है, क्योंकि घर घर का परिश्रम भी जो उठाते हैं, जो वो पूर्व बंधन से बिना इच्छा से उठा रहे हैं, वो भी बोझा लगता है, वो उठाना कोई अच्छा नहीं लगता है, घर का काम करना, व्यापार धंधा करना, क्योंकि ये तो पूरा पाप का हेतु है। तो ये तो क्या हुआ कि उंगली दी तो पूरा हाथ पकड़ने जैसा हो गया, परिश्रम का हेतु है, और वो भी संसार का काम है, मुक्ति का काम हुआ तो अभी भी, लेकिन पंथा का काम है, वो भी हमें परिश्रम का हेतु है। हमें व्यवहार का परिश्रम देकर व्यवहार निभाना इस जीव की सद्वृत्ति का बहुत ही अल्पत्व बताता है। आपकी जो नीति और व्यवहार होना चाहिए उसमें बहुत गिरावट आई है, ऐसा सोचा ही क्यों आपने, सोचा ही क्या लिखा है? इस जीव की हमें व्यवहार का परिश्रम दे करके, अच्छा भैया हम आप जैसा बोले हो वैसा आत्म कल्याण करेंगे, अवलोकन करेंगे, वेद ज्ञान करेंगे, एक काम करो कि आप हमारा व्यवहार चला लो, हमारा बोझा जो आजीविका का वो आप संभाल लो, क्योंकि हमारे को रुकावट तो वही है, बाकी तो हमको आत्म कल्याण करना ही है, लेकिन क्या करें, कमाना धमाने में समय जाता है, तो एक काम करो वो आप कर लो और हम आत्मा करेंगे। तो क्या हुआ, ये समझते होंगे कि हम फ्री हो जाएंगे और हम अभी अच्छी तरह से आत्मा कर लेंगे, ऐसा कोई बोझा उठा लिया तो, लेकिन फिर भी काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डिपेंडेंस है, वहां गुलामगिरी है, और रस तो टूटा नहीं है, असल में रस तोड़ना है, काम भले ही करो आप, असल में टूटना क्या था, रस टूटना था, तो रस तो फिर भी रहा, तो फायदा क्या हुआ? आप नहीं करते हो करवाते हो, या कोई करता है तो उसको अनुमोदन करते हो, तीनों का भाग तो एक ही है, बच कहां गए आप? आप खुद स्वयं मेहनत करके आपका आजीविका का संभाल रखो, या कोई दूसरा करे उसमें आप राजी हो जाओ, उसमें भाव तो कहाँ चेंज हुआ है, कर्ता बुद्धि और संसार में व्यवहार में अपनापन वो कहाँ चले गया, वो तो रहा, क्योंकि जब वो करना बंद कर देगा तब वो आप सब छोड़ करके वो चालू करना शुरू कर दोगे, अंदर में भाव तो पड़े हुए हैं संसार को चलाने का। ठीक है, गुरुदेव सोनगढ़ा है तो गुरुदेव की वाणी के बिना कैसे रहते थे लोग, बहुत अच्छी लगती थी आत्मा की इतनी महिमा की बात कहाँ सुनने मिले, तो मुमुक्षु को बार बार सोनगढ़ा आना, इससे तो बोले कि आप धन आना सब बंद कर दो, पार्टनरशिप में से कैंसिल कर दो और जाओ गुरुदेव के पास ही रहो मकान बना कर, फिर जिंदगी लंबी है खर्चा का निभाव कैसे करेंगे, तो कुछ अमाउंट जो है हम फिक्स डिपॉजिट कर देंगे, उसका ब्याज आएगा, अब हमको काम धंधा नहीं करना है, गुरुदेव की वाणी सुनना, उनके चरण में रहना निरंतर, शास्त्र स्वाध्याय करना और अपना जीवन सफल करना। बहुत से लोग आ गए वहां पर इसी प्रकार से, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि वो उस आस पे थे कि ब्याज बराबर आते रहेगा क्या, और हमारा जीवन व्यवहार चलता है, बराबर चल रहा है, बस बाहर में तकलीफ नहीं है, इसीलिए हमको ये करना है, ये शर्त हो गई, बाहर में तकलीफ न पड़े इसीलिए हमको आत्म कल्याण करना है। अगर वापिस तकलीफ पड़ी और बैंक में कुछ गड़बड़ हो रही है, ब्याज बराबर नहीं आ रहा है, तो क्या होगा? मनी ऑर्डर बराबर 5 तारीख को आता है और 6 तारीख तक नहीं आया, तो क्या होगा? तो परिणाम आत्मा में रहेंगे कि मनी ऑर्डर में रहेगा? वो तो 1 तारीख से ही मनी ऑर्डर में ध्यान देता है कि अभी आएगा पोस्टमैन, अभी आएगा पोस्टमैन, बस अभी 5 दिन बाकी, अभी 4 दिन बाकी, अभी 3 दिन बाकी, ध्यान तो पूरा उधर रहता है, क्योंकि इसके आधार पे तो पूरा महीना चलाना है। भाव संसार का है अंदर में, डीपनेस में, चाहे हम मेहनत करें चाहे दूसरा मेहनत करे, फंस गया यहाँ पर जीव, फायदा नहीं होता है, एक तो तकलीफ दी ऊपर से फायदा भी नहीं होगा, यही कारण है, तकलीफ दिया हमने सामने वाले को, वो तो हमने बहुत बड़ा अपराध किया, क्योंकि वो व्यक्ति को हमको उल्टा, हमको सेवा करनी चाहिए, उसकी जगह हम सेवा ले रहे हैं, वो भी संसार की सेवा, एक तो सेवा वो कर ही रहे हैं आत्मा को बचाने की, अब आपको इतना संसार पसंद है कि वो भी आप जो
पाप जो कर रहे हो वो आप सदगुरु को बोलो, भाई सदगुरु आप थोड़ा पाप करो हमारा, ऐसा हो गया है। जो पापमय जीवन है उसकी टोपली भी आप सदगुरु को दे देते हो, कि क्या करेंगे, वो करेंगे बरेंगे कुछ नहीं, वो छोड़ के भाग जाएंगे, आपके पीछे चलने वाले नहीं है, आपको चलना है तो चलना, उनको कोई गरज नहीं है। ऐसा संग भी नहीं, ऐसे मुमुक्षु भी नहीं चाहिए। तो बहुत बड़ा काम है इसके अंदर, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई कि हम अपना आपका आत्मकल्याण का आप जो बोले वो काम करें, लेकिन आप हमारा पाप का पोटला उठाओ, उसमें आप थोड़ा ध्यान दो, उसमें थोड़ा हेल्प करो, पॉसिबल नहीं है। हमें व्यवहार का परिश्रम देकर व्यवहार निभाना यह इस जीव की सद्वृत्ति का बहुत ही अल्पत्व बताता है। खत्म हो गया आत्मकल्याण का भाव तो बहुत दूर, दूसरी भी जो व्यवहारिक जो होना चाहिए ना, जो योग्यता होनी चाहिए ना, वो भी गई, क्योंकि हमारे लिए परिश्रम उठाकर आपको व्यवहार चला लेना पड़ता हो तो वो आपके लिए हितकारी है। देखो आप सेवा कर सकते हो लेकिन सेवा ले नहीं सकते। हमारे को अगर तकलीफ हो और आप बहुत परिश्रम करके अगर हमारी सेवा करते हो, हमारा व्यवहार निभाते हो, वो आपको शोभा देता है, मुमुक्षु को शोभा देता है वो चित्त, वो आपके लिए हितकारी है और हमारे लिए वैसे दुष्ट निमित्त का कारण नहीं है। अभी नहीं तो उल्टा दुष्ट निमित्त हो जाओगे। ये आप इस प्रकार से सेवा करते हो स्वयं समझ करके, तो आप हमारे लिए बुरे निमित्त नहीं बनते हो, शुभ निमित्त बनते हो। लेकिन इससे उल्टा रहा तो क्या हो गया, तो आप आपका संग भी हमको नहीं चाहिए, दुष्ट निमित्त हो आप, आपसे तो कोसों दूर रहना है, क्योंकि तो इतनी व्यवहार की गिरावट, बहुत गिरावट। हमारे लिए वैसे दुष्ट निमित्त का कारण नहीं है, ऐसी स्थिति होने पर भी अगर आप इस प्रकार से हमारी सेवा करोगे और ऐसा बनेगा, ऐसी स्थिति होने पर भी हमारे चित्त में ऐसा विचार रहता है कि जब तक हमें परिग्रह आदि का लेना देना हो, ऐसा व्यवहार उदय में हो, तब तक स्वयं उस कार्य को करना अथवा व्यवहारिक संबंधी आदि द्वारा करना, या खुद करना या दूसरे व्यवहारिक संबंधी है कि भाई है कि पिताजी है कि पुत्र है या अच्छा वफादार नौकर हो, उसकी हेल्प लेकर के हमारा व्यवहार निभाना। परंतु मुमुक्षु पुरुष को तत्संबंधी परिश्रम देकर तो कभी भी व्यवहार नहीं करना। आपके लिए वो बड़े उपकारी है लेकिन हमारे को अच्छा नहीं लगता है, हमारे को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एक तो बेचारा वो आत्मकल्याण के लिए बहुत मेहनत करता है, उसमें उसका टाइम जाता है, अपने व्यवहार के साथ भी वो लड़ाई करता है, अपने उदय प्रसंग के साथ भी, साथ में वो दर्शन मोह को गिराने वाला काम भी वो कर रहा है, ऊपर से हमारा बोझा वो उठावे, हमको नहीं पसंद, हम वो नहीं चाहते हैं, चाहे जैसी अवस्था में भी हम वो नहीं चाहते हैं। अगर वो हमको काम कराना होगा तो दूसरे जिसको आत्मकल्याण नहीं करना है उसको जिम्मेदारी दे करके वो हम करा लेंगे, लेकिन जिसको आत्मकल्याण करना है उसका तो हम दास के भी दास बन करके जीना चाहते हैं। अगर उसको आत्मकल्याण करने की भावना है तो उसके लिए जो भी करना है हम करने को तैयार है। ये फटकारते क्यों है इतना, वो बोले बोल के नहीं, और सेवा करना पड़े तो करेंगे भी, लेकिन अंदर का जो भाव है रसवृत्ति है वो रोकती है। इतना प्रेम है फिर इतना भी नहीं कर सकते कि अपने मुमुक्षु के लिए, नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो रस रह जाएगा तो आत्मकल्याण नहीं होगा, इसीलिए डांट रहे हैं। बहुत बड़ा इसके अंदर मर्म, बहुत बड़ा बड़ा है, गंभीर आशय है, बोला आगे बहुत गंभीर आशय है इसके अंदर। 548 में गंभीर आशय थे वो नहीं समझ पाएंगे, इसलिए और क्लियर किया 550 के अंदर। रस जो है संसार का रस वो आत्मज्ञान होने नहीं देता है। संसार में रहना पड़े और आत्मज्ञान नहीं होगा ऐसा नहीं है कुछ, क्योंकि मुक्ति का कार्य की शुरुआत तो कहां से होगी, जब गुलामी होगी वहां से शुरुआत होगी। गुलाम होगा वो विचार करेगा, मुक्ति की भावना कौन कौन करेगा, गुलाम होगा वो ना, फिर वो प्रयत्न करेगा, ऐसा करते करते प्रयत्न से मुक्ति मिलेगी। तो मुक्ति भले ही बाद में मिली है लेकिन इसके बीज जब हम गुलाम अवस्था में है तभी उसके बीज बोए जाते हैं। तो संसार में रहने से मुक्ति की भावना खत्म नहीं हो जाती है, भावना तो उल्टी वहां ही पैदा होती है और फिर धीरे 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 संसार की अवस्थाओं में गड़बड़ी में चारों ओर प्रतिकूलता में ही वो पनपती है। तो संसार में रहना एक बात है और संसार की रुचि रखना
इसमें रस रहना वो बहुत दूसरी बात है। ये रस रह गया और रस इतना बढ़ गया अब कि और कोई नहीं मिला तो सदगुरु को पकड़ लिया कि भाई आप हमारा व्यवहार निभालो, आप हमको कोई धंधा बंदा सिखा दो या कोई लाइन लगा दो। सदगुरु आपका आत्मा का भी संभाल रखे और आपके उदय भाव का भी संभाल रखे, मतलब आप तो कुछ करना नहीं चाहते हो ना, आपको तो थोड़ी भी कीमत नहीं चुकानी है ना, मोक्ष आपको चाहिए और कीमत बिल्कुल नहीं चुकानी है, न आत्मा कल्याण की न व्यवहार की। देखो आपके पोटले आप पान रहे हैं, सहन आपको करना पड़ रहा है, कर्म का उदय आपका है और भोगे दूसरा कोई, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो पॉसिबल भी नहीं है चाहो तो भी, लेकिन ऐसी जो चाहना रखी है उसमें मुक्ति का मार्ग बिल्कुल बंद हो जाता है। ये बहुत बड़ा दोष इसके अंदर है, ये बताता है कि आपको संसार की कितनी जबरदस्त रुचि है कि सदगुरु है तब तो कुछ ऐसा ऐसा काम नहीं करना है, नहीं अभी तो सत्संग मिस हो जाएगा तो नहीं करना है, नहीं सदगुरु जाने दो बाद में करेंगे, क्या मतलब होगा यार? मतलब करना तो है आपको, रस तो है ना आपको, ये तो क्या एक दबाव के कारण एक शर्म के कारण आप वो कार्य नहीं करते हो, रस पड़ा है अंदर में और रस वो मारेगा आपको, आपका अवलोकन सफल नहीं होगा उसमें वो रस कारण भूत है। क्यों अवलोकन सफल नहीं होता है? सदगुरु है तब तक तो डिसिप्लिन में रहते हो, पुलिस खड़ा है तो 90 में नहीं आते हो, और पुलिस नहीं रहेगा तो जैसा आया ऐसा घुसो, चाहे हजारों को तकलीफ हो लेकिन अपना काम कर लो, भले कानून के बराबर नहीं है ये, रूल्स के हिसाब से नहीं है तो भी करो वो काम। इसका मतलब क्या हो गया? किसी के दबाव में आकर के ठीक चलना और बिना कोई दबाव नहीं है तो भी ठीक चलना, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। हृदय की शुद्धता कहाँ है? अंतकरण की शुद्धि कहाँ है? बिना किसी के दबाव में आकर के स्वयं अपने आत्मा को जन्म मरण से छुड़ाने छुड़ाने का भाव हो गए, किसी के दबाव में आकर के नहीं, यहाँ तक कि नरक निगोद का भी भय के कारण से नहीं आना, वो तो बात आ गई 250 में, 250 नरक निगोद के भय से मेरे को ये करना है तो ये भी नहीं चलेगा, ऐसा नेगेटिव अप्रोच नहीं चलता है। मेरा आत्मा इतना शक्तिमान है, इतना सर्वश्रेष्ठ है कि दूसरे की ओर भीख मांगने की मुझे जरूरत ही नहीं है, बेकार का भीख मांगते रहा अनंत काल तक, अब पता नहीं था इसलिए अब मुझे पता लग गया है। तो ऐसी सुंदर वस्तु है कि अब मैं इसके बिना एक पल भी रह नहीं सकता हूँ, इतना प्रेम हो गया है मेरी आत्मा से मुझे, भय के कारण नहीं आत्मा का दर्शन करूंगा तो नरक निगोद में जाऊंगा, ऐसा भय के कारण से मैं प्रेम नहीं करता हूँ, ये जबरदस्ती का सौदा नहीं है। भाव भाव में बहुत बहुत अंतर पड़ता है, एक एक भाव में बहुत अंतर पड़ता है। दबाव में आकर के डिसिप्लिन में रहना और बिना दबाव में आकर के भी डिसिप्लिन में रहना, बहुत बड़ा डिफरेंस है। चित्त वहां शुद्ध है कि कोई आपको जबरदस्ती नहीं करता है फिर भी आप सही चलते हो, तो चित्त वहां शुद्ध है, वो योग्यता है, वो पात्रता है और वो आप आत्म कल्याण करने के अधिकारी हो, नहीं तो अधिकारी नहीं हो आप, अवलोकन भी नहीं चलेगा, आत्मज्ञान तो बहुत दूर की बात है। तो क्या बात लिखी है यहाँ पर कि किसी मुमुक्षु को ऐसा परिश्रम देना हो तो हमको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वैसे कारण से जीव को मलिन वासना का उद्भव होना संभव है। मुमुक्षु जीव सेवा करे और सदगुरु उसकी सेवा लेवे राजी खुशी से, इतना परिश्रम वो देवे तो भी मुमुक्षु का बुरा हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो मैं इतना भक्ति कोई नहीं करता है, ऐसा अभिमान आए बिना नहीं रहेगा, फिर वो रिस्पॉन्स चाहेगा, वो थोड़ा भी सदगुरु को डांटेंगे तो सहन नहीं कर पाएगा, कहीं गलती निकली और कि मैं इतना इतना करता हूं और वो सबके बीच में मेरी गलती निकाल दिए, बोलना था तो जा साइड में जाके कान में बोलना था, तो हम कहा नहीं मानते थे। हालांकि निस्वार्थ भक्ति करे तो उसका बहुत बड़ा फायदा होता है, दर्शन में फटाफट गिरता है, सदगुरु नहीं चाहते ऐसी भक्ति, लेकिन फिर भी वो करे तो उसका फायदा है, लेकिन फिर भी सदगुरु बिल्कुल नकारते हैं, इसका कारण ये भी है क्योंकि वैसे कारण से जीव की मलिन वासना का उद्भव होना संभव है। हमको पहली लाइन में बिठाएंगे, अब हमको रिस्पॉन्स देंगे, अब हम कहीं गिरेंगे तो पांडे की क्या बात कर रहे हैं,
एक एक नस नस जानते हैं सामने वाले की, वो कहाँ से बोलता है, शब्द कहाँ से निकले, क्या जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। बहुत भक्ति आवे ऐसा प्रकार है, इतना ध्यान रखते हैं अपना कि कहीं से भी नहीं गिरे अपन को, एक भी संसार का भाव अंदर छिपके भी बैठा हो ना, इधर कोने कोने में भी, वहां से भी निकल जा रहा अगर इनका सानिध्य मिले तो। इतना जबरदस्त सत्संग होता है हमारे लिए, ऐसी स्थिति होने पर भी हमारे चित्त में ऐसा विचार रहता है कि जब तक हमें परिग्रह आदि का लेना देना हो, हमको स्वयं राग है परिग्रह में, अभी स्कूटर चाहिए, मोटर गाड़ी चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, जब तक ऐसा परिग्रह का लेना देना है, ऐसा व्यवहार हमारे उदय में है, तब तक स्वयं उस कार्य को करना, ये ज्ञानी पुरुष ऐसा चाहते हैं, अथवा व्यवहारिक संबंधी आदि द्वारा करना, जिसको आत्मकल्याण की भावना नहीं है, निकट का संबंधी है उसकी हेल्प लेकर के वो अपनी जरूरत पूरी करना, परंतु मुमुक्षु पुरुष को तो ऐसा परिश्रम देना ही नहीं, क्योंकि वैसे कारण से जीव की मलिन वासना का उद्भव होना संभव है। वो भक्ति करता है, भक्ति में से कब अधिकारी पना आ जाएगा, भक्ति करते करते शुरुआत में भक्ति के अंश होते हैं और बाद में क्या होता है, मलिन वासना आ जाती है अंदर में, ये मेरे को डूबने तो नहीं देंगे, ये मेरे को डूबने तो नहीं देंगे क्योंकि मैं इतना करता हूँ, ऐसा करके स्वयं को अपने तैयारी करनी चाहिए। इसके बदले थोड़ा थोड़ा हिंसा क्या करता है, वो केयरलेस हो जाता है कि है ना सदगुरु हमारे साथ, वो बता देंगे हमारी गलती, ऐसा करके खुद अपनी गलती निकालने के लिए परिश्रम इतना जबरदस्त नहीं कर सकता है, क्योंकि हम भक्ति करते हैं तो क्या वो इतना भी ध्यान नहीं रखेंगे हमारा, ऐसा करके मलिन वासना उद्भव हो जाती है। कदाचित हमारा चित्त शुद्ध ही रहे और सदगुरु को भी आदत पड़ जाती है, उनके चित्त में भी अशुद्धि आती है, क्योंकि पूर्ण मित्र वो भी नहीं है, जहां देखे कि ऐसा होता है तो क्यों लाभ ले, तो ऐसा भी होता है कि उसके दिल में भी मलिन वासना का उद्भव हो सकता है, और सामने भक्तवान जीव को भी अधिकारी बना आ सकता है। भी काल काल है, कब कैसे कर्मों का उदय आया है पता नहीं है, अभी पूर्ण वितराग नहीं हुए हैं, अब बहुत बड़ी परेशानी हो जावे आपस में। कदाचित हमारा चित शुद्ध ही रहे ऐसा है पर विश्वास है, कदाचित हमारा चित शुद्ध ही रहे ऐसा है, तथापि काल ऐसा है, देखो दुष्म काल है ना, यदि हम उस शुद्धि को द्रव्य से भी रखें तो सन्मुख जीव में विषमता उत्पन्न न हो। द्रव्य से माने क्या, बाहर से दिए, भाव से तो है शुद्धि, लेकिन बाहर आचरण में भी इस प्रकार की शुद्धि रखें तो सन्मुख जीव में विषमता उत्पन्न न हो, कि नहीं किसी को परिश्रम नहीं दे ऐसा व्यवहार अगर हमारे से हो गए। चित्त तो हमारा शुद्ध है, फिर भी काल ऐसा है कि हमको द्रव्य से भी ऐसी शुद्धि रखनी चाहिए, ऐसा नहीं कर सकते हम, कि नहीं हमारा भाव तो शुद्ध है ना, हम थोड़ा मांगे थे, अब वो मुंह से देखे जाता तो हम क्या करना, और नहीं तो वो नाराज हो जाता है, इसलिए चलो उसको राजी करो, इस बार ने भी उसका विकल्प पूरा करो, नहीं तो और एक विकल्प आ जाएगा कि हमारे से सेवा क्यों नहीं करते हैं, क्यों नहीं कराते हैं, हमारा क्यों कोई कुछ स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसा उसको भी बार बार विकल्प आएगा तो फिर उसका विकल्प बंद हो जाएगा, इसलिए चलो ले लो ना, क्योंकि हमको हमको हमारा चित्त शुद्धि है ना, हमारे को कहाँ प्रॉब्लम है। तो काल ऐसा है, हमारा चित्त शुद्ध है, हमको मलिनता नहीं आएगी ऐसा लगता है, तथापि काल ऐसा है कि यदि हम उस शुद्धि को द्रव्य से भी रखे, बाहर के आचरण भी शुद्ध रखे, तो सन्मुख जीव में विषमता उत्पन्न हो, तो फायदा क्या हो, किसको होगा, मुमुक्षु को ही होगा। सदगुरु अगर इतनी शुद्धि रखे बाहर में व्यवहार में, तो इसका फायदा भी मुमुक्षु को ही होता है, क्योंकि फिर विषमता उत्पन्न होने का सवाल ही नहीं होता है, उत्पन्न हो। और अशुद्ध वृत्तिवान जीव भी तद अनुसार व्यवहार करके परम पुरुषों के मार्ग का नाश न करे। अशुद्ध वृत्तिवान जीव, ऐसा ऐसा दृष्टांत अगर हमारे सामने हो गया कि सदगुरु कुछ लेते ही नहीं है, इतना द्रव्य शुद्ध रहता है, भाव में तो नहीं रहता है, द्रव्य से भी ऐसा रहता है, तो इसका एक ऐसा उत्तम उदाहरण होता है कि अशुद्ध वृत्तिवान वाला कोई जीव होवे ना, वो भी नकल करने के लिए उसके पास स्थान नहीं रहता है,
कि वो तो लेते थे ना, हम लेवे तो क्या तकलीफ है, उसको तो भाव में भी पड़ा है। असुर वृत्तिवान माने क्या, भाव में ही पड़ा है, दूसरों की सेवा कराना, दूसरों से सेवा लेना। लेकिन सदगुरु जब स्वयं ही ऐसा रहेंगे, किसी की द्रव्य की शुद्धि इतनी जबरदस्त रहती है कि वो दूसरे को नकल करने का मौका भी नहीं मिलता है, भाव में अशुद्धता वाले को ही नकल करने का मौका नहीं मिलता है, और अशुद्ध वृत्तिवान जीव भी तद अनुसार व्यवहार करके परम पुरुषों के मार्ग का नाश न करे। ये परम पुरुषों का मार्ग है कौन सा, इस मार्ग में मुमुक्षु की भावना, मोक्ष की भावना होवे वहां से लेकर के पूर्ण परमात्मा पद प्रकट होवे तब तक केवल मात्र अपने बल पे ही जीना है, किसी के आधार पे जीना नहीं। रंच मात्र भी किसी का एक अणु परमाणु भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे आत्मा में सर्वत्र सब कुछ खजाने भरे पड़े हैं, हमको कोई जरूरत नहीं है किसी की। ऐसे स्वाधीन जो परम पुरुषों का जो मार्ग है, जो वितराग का मार्ग है, चाहिए ही नहीं तो फिर राग और द्वेष का सवाल ही नहीं रहता है। चाहिए तो फिर राग द्वेष हो गए, ये नहीं ये चाहिए, ये कलर नहीं वो कलर का दो, इतना नहीं उतना दो, थाली में आ गया तो नहीं ये ज्यादा हो गया थोड़ा कम करो, आ गए द्वेष रख लिए तो राग हो गया, निकल दिए तो ये हो जाता है। रंच मात्र भी अंश मात्र भी परिग्रह नहीं चाहिए, वेरी बिगिनिंग से ही ये परम पुरुषों का मार्ग है। मुक्ति भी चाहिए और संसार का अंश मात्र भी कुछ चाहिए तो फिर मुक्ति नहीं चाहिए ऐसा होगा, और मुक्ति मिलती भी नहीं है। तो ये परम पुरुषों का मार्ग इस प्रकार का है। तो ज्ञानी पुरुष अगर बाहर से भी शुद्ध व्यवहार रखेंगे तो असुर वृत्तिवान जीव को भी ऐसा करने का मौका नहीं मिलेगा, और ऐसे करके परम पुरुषों का जो मार्ग है, जो इतना सुंदर स्वाधीन मार्ग है, वितराग मार्ग है, स्वयं का तो कल्याण है ही लेकिन जगत का भी उद्धार हो जावे ऐसा जो मार्ग है वो सुरक्षित रहेगा, उसका नाश नहीं होगा। ये व्यवहार धर्म ऐसा बोलता है। ऐसे जैसे जैसे अंदर की स्थिरता बढ़ती है ना ज्ञानियों की, वैसे वैसे पराधीनता छूटती रहती है। मुमुक्षु तो सब भावना करेंगे ये लो, ये लो, लेकिन वो नहीं लेंगे। एक दृष्टांत है गुरुदेव का, कान्ही स्वामी की बात कर रहा हूँ। वो तो एक ही जो नीचे का एक और ऊपर का एक, बस दो दो ही कपड़े और एक दिन आगे पीछे, मतलब दो दो जोड़ी, मतलब पैर दो ऊपर के दो नीचे के, आगे पीछे पहनने के वक्त इतने ही कपड़े इसमें। वो पर ये मिले जब तक वो नहीं फटे तब तक तो दूसरा चाहिए नहीं, रखेंगे कहाँ, वो साधु व्यस्त में थे तो उनको दूसरा कोई चाहिए ही नहीं। ऐसा करते करते रात चचाए बैठे होंगे और एक दो साल निकल गए होंगे तो पुराना फटने आया होगा, तो हल्लू से बात किया क्या, तभी ये फटने आया है, यहां से फट गया ऐसा कुछ, इतनी बात। अभी आप जो करके नहीं बोले, अभी देखना क्या हुआ है। को भी शर्म आती है मांगना, वो बहुत बड़ी और वो स्टेज में रह रहे तीर्थंकर का द्रव्य, ज्ञान गंगा बरसाने वाला, वो मांगे तो मौत आ जाए अगर मांगे तो। बिल्कुल हल्लू से अचकाते अचकाते इतना बोले, बिल्कुल स्लो आवाज में, अभी यहां से हो गया है। दूसरे दिन लाइन लग गई, मैं सब ये लू, मैं सब ये लू। हाँ तो रात कोई भावनगर जाके लेके आए, कोई सोनगढ़ की दुकान से लेके आए, कोई कहां से, कोई अपने पास एक्स्ट्रा था, बिल्कुल कोरा था धोती वो, लखपति वगैरह बैठे रहते हैं आगे पीछे आते रहते हैं, उनको तो इशारा करो तो वहां सुबह से सुबह जावे भावनगर से प्लेन लेकर के, बम्बई से अच्छी से अच्छी लेकर के हम दूसरे रिटर्न आवे प्लेन में, सोनगढ़ आ जाए शाम तक तो हाजिर हो जाए। गुरुदेव हमारे गुरुदेव से बढ़ के कोई तो है क्या, और ये हमारा परम सौभाग्य कि हमारी दी हुई कपड़े पहनते हैं, हमने हो रहा है तो हमारा परम सौभाग्य, हम किर गए कहाँ, पैसा कमी है। धोती भले 100-150 या 200 रुपए की मिलती है लेकिन उसके लिए आने जाने का प्लेन का खर्चा भी करने को तैयार है, वो भी राजी खुशी से, कि जो कभी नहीं मांगने वाले मांगे तो सही। और बोलने में क्या आता, हम तो हमारा प्राण भी अर्पण करने को तैयार है इनके लिए क्या। तो उन्होंने क्या किया, तो लाइन लग गई, इतनी सारी धोतियां आ गई, इतने सारे ऊपर के आ गए, तो नहीं मेरे को तो पहले से आ गया है, अब मेरे को तो ज्यादा क्या करूं मैं, नहीं 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 सबको नहीं। देखने की बात है कि आज तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा हो, तुम जल्दी से समय दर्शन करो, कितना जोर जोर से बोलते थे सुबह दोपहर शाम, और एक एक लेक्चर में 10-10 बार वो बात, कम से कम 10-10 बार बोलते थे, अंधेरा पीट पीट करके
तो कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई आत्मा उठाने को तैयार नहीं है, कोई अपने आत्मा को देखने ढकने के लिए तैयार नहीं है। और वो इतना स्लो आवाज में बोले ना, सबके कान में घुस गया हो अच्छी तरह। देखो जीव की रुचि कहाँ रहती है, लाइन लग गए, जेल लग गए वहां पर। लेकिन उन्होंने जो पहला आया उसका ले लिया, फिर वो गरीब था के तवंगर था, नहीं देखा क्या, वो अपना विकल्प पूरा हो गया वहां पर, फिनिश। अब वो बोला नहीं उसका नहीं उसका, तो वो भी नहीं चले, अब हो गया ना, खत्म हो गई मामला, फिनिश हो गया। हमको एक जोड़ी चाहिए और एक जोड़ी आ गई, मैं क्या करूं, अब क्या करूं, सब वापिस होटल 30-40 धोती अभी है वापिस कर दिए पूरे। लेकिन बात यह है कि ये छोटी सी स्लो आवाज में बोले वो याद रह गया सबको, अच्छी तरह से कान में घुस गया अंदर में, और उसके ऊपर फौरन एक्शन हो गया, उसका अमलीकरण हुआ। लेकिन जो असल बाग का अमलीकरण तो कोई किया नहीं। ये मुमुक्षु की योग्यता देखो कैसी योग्यता है, जो मूल बात कहते हैं वो तो, और ये खाओ ये पियो इधर चलो ये लो वो लो ये चालू है, इसमें क्या होता है। कहते हैं कि हमारा चित्त तो शुद्ध ही है, शुद्ध ही रहेगा ऐसा है, तथापि काल ऐसा है कि जो अंदर अंतकरण की जो शुद्धि है उसको हम अगर द्रव्य से भी करे तो नजीक आया है जो जीव, उसके अंदर कभी भी विषम भाव नहीं आएगा। ये तो एक का रखेगा दूसरे का नहीं रखेगा, तो देखो वो ज्यादा पुण्य से वाला है और मैं पापी हूँ, यही भाव भी आएगा अंदर में, तो मैं कितना कम पुण्य वाला हूँ कि मेरे घर पे तो नहीं आ रहे और उनके घर पे जा रहे हैं, उनका बहुत बड़ा भाग्य है, उनके ऊपर चार आते हैं और हमारे ऊपर एक भी नहीं है, ऐसा आए बिना नहीं रहता है, विषम भाव है पूरा। वो आएगा अगर शुद्ध व्यवहार रहेगा तो वो भी चांस नहीं रहेगा, मुमुक्षु के दिल में वो बात भी नहीं आएगी। और अशुद्ध वृत्तिवान जीव भी तद अनुसार व्यवहार करके परम पुरुषों के मार्ग का नाश नहीं करेगा, क्योंकि ज्ञानी जब इतना शुद्ध आचरण करते हैं तो फिर अज्ञानी जीव तो क्या करते हैं, नकल करते हैं, तो ज्ञानी जैसा करेंगे वैसा वो करेंगे। ज्ञानी अगर सही चलेंगे, भाव में नहीं इसलिए चलो ना, व्यवहार कैसा भी कर लो, ऐसा ज्ञानी पुरुष नहीं करते हैं, क्योंकि अज्ञानी नकल करता है। तो नकल करने वाले को इतना ही मौका नहीं देते हैं कि परम पुरुषों के मार्ग का सत्यानाश हो जाए। ये ज्ञानी पुरुष के आचरण ऐसे होते हैं, ऐसे जैसे जैसे अंतर में स्थिरता बढ़ती है ऐसे ऐसे परिग्रह कर रखना संभालना सब कम हो जाता है। सब कुछ है लेकिन हमको जरूरत नहीं, सब कुछ है लेकिन हमको जरूरत नहीं, कट 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 कट, और फिर वैसा संपर्क भी नहीं बढ़ाते हैं जहां वो लेना देना का व्यवहार ज्यादा हो, इस मार्ग में नहीं चलता है, क्या करेंगे रख के, बस वो व्यवहार कम हो जाता है इसका। जैसा ऐसे अंदर की शुद्धता बढ़ती है और आखिर में जब मुनि बनते हैं तो अपना जो इस्तेमाल करते थे उसको भी छोड़ के, कपड़े लाते को भी छोड़ के चले जाते हैं। ये परम पुरुषों का मार्ग ऐसा है, अंदर में इतना ऐश्वर्य प्रकट हुआ है, परमात्मा को देखा है, बाहर में चाल कैसी है। जब आपने परमात्मा को देखा है, अनंत सुख आपका अनुभव हो रहा है, सुख का स्वाद आ रहा है, ये बाहर में भिखारी वृत्ति क्यों, तो मैचिंग नहीं हो रहा है, अंदर में कुछ मिला है उसका विश्वास नहीं आता जगत के लोगों को। विश्वास कब आता है, हे मुनिवर सच्चा, हे नग्न स्वरूप, जबकि नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है, आपका स्वरूप देखते हैं तो उनको विश्वास अब आ रहा है, सही में आपको कुछ ऐसी निधि मिल गई है कि आपके आपको वस्त्रों की भी जरूरत नहीं है, शरीर का मोह भी छूट गया है, अब हमको लग रहा है अब नग्न स्वरूप आपका देख करके हमको विश्वास हो गया है कि वास्तव में आपको ऐसा कोई चीज मिल गया है, चिंतामणि से भी ज्यादा अच्छी, कल्प वृक्ष से भी ज्यादा अच्छा ऐसा कोई चीज आपको मिल गया है, शाश्वत सुख दर्शक ये नग्न स्वरूप हमारा, जबकि नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने, क्या आप क्षण मगुण चिंजों के पीछे नहीं घूमते हो, शाश्वत सुख धाम जो है वो आपको मिल गया है, अब हमको विश्वास आता है। ये तब विश्वास में आएगा, अंदर की स्थिरता बढ़ते 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 ये दशा पे आओगे तब, ये परम पुरुषों का मार्ग है कि रसकण भी मेरा नहीं, रसकण के रिद्धि सिद्धि वैमानिक देवनी सर्वे मान्या पुद्गल एक, रसकण हो कि वैमानिक देव की शुद्धि रिद्धि हो, हमारे लिए सब पुद्गल समान है, हमारे को कोई इसमें आसक्ति है, हमारे लिए सब बराबर है। रंच मात्र भी मन में आसक्ति का भाव, ये मेरा है ऐसा भाव
मन में भी नहीं आवे, चाहिए ही नहीं ना वो चीज। इत्यादि विचार में मेरा चित रहता है। इस प्रकार से ये वितराग पुरुषों का जो परम रसांत रस अमूल्य मार्ग है, मोक्ष मार्ग है, बिल्कुल बाहर से और अंदर से बिल्कुल सुरक्षित रहे, ऐसे विचार में हमारा चित रहता है। तो फिर जिसका परमार्थ बल या चित्त शुद्धि हमारे से कम हो, मुमुक्षु की बात, जब ज्ञानी के दिल में ऐसा रहता है कि किंचित भी ग्रहण नहीं करना बाहर का, मुमुक्षु की सेवा भी नहीं लेना, जब ज्ञानी ऐसा चाहते हैं कि मुमुक्षु भले सेवा करे लेकिन आप नहीं लेंगे, जहां तक हो सके वहां तक, भले भाव में तो नहीं है लेकिन द्रव्य से भी वो नहीं लेना, आचरण में भी, ऐसा ज्ञानी को ऐसा विचार रहते हैं। और मोक्ष मार्ग के व्यवहार का भी वो सुरक्षा करते हैं इस प्रकार से। जब ज्ञानी को मुमुक्षु सेवा कराए करे तो भी नहीं लेवे ऐसा भाव आता है, तो मुमुक्षु को ज्ञानी सेवा करे ऐसा भाव कहां से आवे, समझ रहे हो ना हिसाब किताब। कोई मुमुक्षु सामने से भक्तिवश सेवा करे ज्ञानी पुरुष की, वो भी उनको अच्छा नहीं लगता है ज्ञानी पुरुष को। इसके बदले मुमुक्षु सामने से जाकर के ज्ञानी को बोले कि मेरा व्यवहार आप संभालो, अब इसका हिसाब किताब लगा लो कि कितना बड़ा अपराधी है, वो कितना बड़ा अपराध किया है वो देखना है। ये बात कहते हैं जिसका परमार्थ बल या चित्त शुद्धि हमारे से कम हो, उसे तो अवश्य ही ये वह मार्गना प्रबलता से रखनी चाहिए, यही उसके लिए बलवान श्रेय है। और आप जैसे मुमुक्षु पुरुष को तो अवश्य वैसा वर्तन करना योग्य है कि किंचित भी मांगना नहीं, चाहे जैसी हालत हो, ज्ञानी पुरुष से यातना तो कभी नहीं करना। दो प्रकार की यातना की थी उसमें, पहली यातना तो मिथ्यात्व का सबल बीज है, और दूसरे में ये मोक्ष मार्ग का जो उत्तम व्यवहार होना चाहिए उसका नाश होता है, मुमुक्षु को स्वभाव नहीं रहता है, ज्ञानी खुद नहीं चाहते अपने लिए। तो मुमुक्षु जिसका बल कम है, जिसका अभी संसार का बीज खत्म नहीं हुआ है, अगर उसका काम कोई कर देगा संसार का काम, तो संसार की भावना तो और वृद्धिगत हो जाएगी। चलो हमारे से नहीं होगा तो और को भी तो कर देगा, लेकिन हमारा संसार जिंदा रहेगा, संसार को खत्म करने की भावना कहाँ खत्म रहेगी, वो मोक्ष की भावना ही खत्म हो जाती है। दो में से एक भावना रहती है, संसार की या मोक्ष की, आत्मा की या संसार की। आप चेक कर लेना कि हमको कौन सी भावना है, कोई ज्यादा चेकिंग करने की जरूरत नहीं है, हमको ये भाव आया इसमें हमारी मोक्ष की भावना है कि संसार की भावना है, कुछ करना धरना है कि विदराग रहना है, इसके पीछे हमारा हेतु क्या है। कोई भी अंदर में विचार आएंगे इसके पीछे हेतु में से दो ही में से एक हेतु होगा, तीसरी बात तो कोई है ही नहीं, या संसार है या मोक्ष है। जो भाव आते हैं वो मोक्ष का है कि संसार का है पता लग जाता है, इतना कहां लंबा चौड़ा है कुछ। तो ये बात कहते हैं कि वो मार्ग ना प्रबलता से रखनी चाहिए, यही उसके लिए बलवान श्रेय है। और आप जैसे मुमुक्षु पुरुष को तो अवश्य वैसा वर्तन करना योग्य है, क्योंकि आपका अनुकरण सहज ही दूसरे मुमुक्षुओं के हित अहित का कारण हो सकता है। ये हमारी सभा के अंदर कृपाडे ऐसा देते हैं कि आप तो है फर्स्ट रो में, फर्स्ट लाइन में बैठने वाले हो, दूसरे मुमुक्षु तो आपका आचरण करने वाले हैं। हमारे इतने सारे लेटर लिखे गए उसमें सबसे ज्यादा लेटर आपको लिखे हैं, भक्त शिरोमणि है सुभाग भाई, अगर उनके आचरण में कुछ गलती हुई तो सभी गलती करेंगे, क्योंकि सब इनका फॉलोअप करते हैं, उसका परिणाम दिखता है। आपको तो बिल्कुल ये काम नहीं करना चाहिए, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई आपसे, क्योंकि अगर आप गलती करोगे तो दूसरे मुमुक्षु तो आपको देख करके काम करते हैं, वो भी सब गलती करेंगे, तो आपका तो डूबना है लेकिन साथ में सबको डूबोगे बेकार का। तो आपको तो बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपका अनुकरण सहज ही दूसरे मुमुक्षुओं के हित हित का कारण होता है। प्राण जावे ऐसी विषम अवस्था में भी, देखो कितनी बड़ी बात कही कि मौत आवे तो भले आवे लेकिन ऐसा काम दोबारा कभी नहीं करना। प्राण जावे ऐसी विषम अवस्था में भी आपको तो निष्कामता ही रखनी योग्य है। मांगने वाली बात खत्म, नसीदी मंत्र चमत्कार ताबीज पाबीज भी नहीं, आशीर्वाद भी नहीं, कृपा दृष्टि भी नहीं, मांगने वाली बात खत्म, और व्यवहार की चिंता भी खत्म। ऐसा हमारा विचार
आपको आजीविका से चाहे जैसे दुखों की अनुकंपा के प्रति जाते हुए भी मिटता नहीं है, प्रत्युत अधिक बलवान होता है। आप निष्काम रहो ऐसा हमारा विश्वास, ऐसे विचार इतना दृढ़ है, इतना दृढ़ है कि आपकी हालत देख करके दया आती है, लेकिन दया इतनी और ये दृढ़ निश्चय इतना। क्या ऐसा नहीं है कि आपकी हालत देख करके तरस नहीं आता है, दया नहीं आती है? आती है दया, लेकिन ये निश्चय है, निष्कामता वाला जो निश्चय है इसका पलड़ा बहुत भारी है, क्योंकि हम आपका हित चाहते हैं, हम आपका आत्म कल्याण आपको हो ऐसा चाहते हैं। इसलिए आपको आजीविका से चाहे जैसे दुखों की अनुकंपा के प्रति जाते हुए भी वो हमारा विचार मिटता नहीं है, उल्टा बहुत बलवान होता है। क्योंकि अगर निष्कामता रही तो भले ही ऐसा हो सकता है कि संयोग का दुख न मिटे और भी ज्यादा आवे, लेकिन ये मोह का दुख तो अवश्य मिट जाएगा, आत्मज्ञान तो अवश्य हो जाएगा। और हमारा टारगेट भी तो वही है ना, सत्संग में आने वाले जीव का और ज्ञानी पुरुष का समागम हुआ है, इसके पूछे क्या टारगेट है, क्यों इतनी सारी तत्व विचारना, इतना सारा क्यों मगज मारी, कि भाई हमको जो मार्ग गुरुओं ने कृपा से दिया है किसी भव्य जीव को, भाग्यवान जीव को वो मिल जाए, उसका कल्याण हो गए तो हमारा क्या जाता है, उसका भी उद्धार हो गए, यही तो हेतु, और क्या हेतु है सत्संग के पीछे, और क्या हेतु हो सकता है कि मंडल थोड़ा बनाना है, कि दूसरे के मंडल ऐसा हमारा भी एक मंडल है, नाम लिखाओ अंदर में, चलो इतना मेंबरशिप फी दो, ऐसा करो, ये थोड़ा लिखने का है, ये हेतु थोड़ा है इसके अंदर। इस विषय में विशेष कारण बताकर आपको निश्चय कराने की इच्छा है, और वह होगा ऐसा हमें निश्चय रहता है, ये विश्वास भी है। इतना फटकारने के बाद भी कौन मूर्ख है क्या वो नहीं संभल पाए, ये कितनी ये लकड़ी पड़ती है तो कितनी जबरदस्त पड़ती है, ये लकड़ी किस पे पड़ती है, मुमुक्षु जीव के मोह के ऊपर पड़ती है, किस पे पड़ती है, ये डांट फटकार किसको है, मुमुक्षु जीव को है, मुमुक्षु जीव का जो मोह है ना उसके ऊपर है। नहीं आता है सूत्र एक के, पापी से घृणा मत करो, पाप से घृणा करो, मुमुक्षु को ज्ञानी पुरुष क्यों डांटते हैं, नहीं कभी मुमुक्षु को डांटते नहीं, मुमुक्षु जो गलती करता है गलती को देख करके गलती पे डांट है, मुमुक्षु को डांट, वो तो परमात्मा है, जो जीव है वो कौन है, पहले अज्ञान अवस्था में, लेकिन कैसा है वो, परमात्मा है, परमात्मा को तो उसी दृष्टि से देखना है, पूरा सम्मान पूरा आदर, लेकिन वो अपने परमात्मा की आराधना नहीं करता है, ऐसी गलती कर बैठता है, गलती का तिरस्कार है, इसलिए बातचीत करना बंद है समझो, इसलिए अनुकंपा नहीं होती है, इसलिए दूर रखना होता है, क्योंकि वो गलती करते हैं मुमुक्षु जी, तो गलती को डांट फटकार है, मुमुक्षु को डांट फटकार नहीं है। तो विशेष कारण बताकर आपको निश्चय कराने की इच्छा है, अभी यहाँ से संतोष नहीं होता कृपा को, और भी कहूंगा मैं इसके बाद, और वह होगा और आपका निश्चय बदलेगा ऐसा हमको निश्चय है। इस प्रकार आपके या दूसरे मुमुक्षु जीवों के हित के लिए मुझे जो योग्य लगा वो मैंने लिखा है। इतना लिखने के बाद अपने आत्मा के लिए उस संबंध में मेरा अपना कुछ दूसरा भी विचार चलता है, विचार रहता है, जिसे लिखना योग्य नहीं है, योग्य नहीं था, परंतु आपके आत्मा को कुछ दुख देने जैसा हमने लिखा है। देखो ऐसा कह करके एक दुखों के दरिया में कोई मुमुक्षु तड़पता है और ज्ञानी पुरुष से थोड़ा मांग लेता है तो कौन सा ऐसा गलती कर लिया, भाव तो थोड़े होते हैं सेवा कराने के, थोड़ा सा लिख दिया तो क्या ऐसा गुनाह कर दिया, माफ कर दो, नहीं थोड़ा सा लगता है लेकिन थोड़ा सा नहीं है, हो सकता है थोड़ा सा हो लेकिन उसको बीच को बढ़ने नहीं देना है। तो इधर कृपादेव ने लिखा है कि मुझे लिखना नहीं चाहिए, फिर भी मैं लिख रहा हूँ कि इस पत्र में आपको दुख पहुंचे ऐसा मैं बहुत कुछ लिखा है, तब उस लिखने को योग्य समझ कर लिखा है। वो इस प्रकार के है कि जब तक परिग्रह आदि का लेना देना हो ऐसा व्यवहार मुझे उदय में हो, तब तक किसी जिस किसी भी निष्काम मुमुक्षु या सत्पात्र जीव की तथा अनुकंपा योग्य जीव की उसे बताए बिना हमसे जो कुछ भी सेवा चाकरी हो सकेगी उसे द्रव्य आदि पदार्थ से भी करना, क्योंकि ऐसा मार्ग ऋषभ आदि महापुरुषों ने भी कहीं कहीं जीव की गुण निष्पन्नता के लिए माना है, लेकिन उसको मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि ज्ञानी पुरुष ने ऐसा किया है, व्यवस्था उसने कर दी है। ज्ञानी पुरुष के ऊपर जब भक्ति आती है
वो तो इसी प्रकार से इस लेवल से आनी चाहिए कि संसार में मेरी आत्मा का संभाल रखने वाला और कोई नहीं है सिवाय ज्ञानी पुरुष के। इसलिए हम निरंतर उनके चरण में रहे, उनके दास बनकर रहे, वो उनके छत्र छाया हमारे ऊपर हमेशा रहे, उनका मार्ग हमारे पे रहे। हम कहीं भी गलती करें इसलिए तो हमको फौरन बचा लेवे, कृपा बरसावे, आशीष देवे, ऐसी भावना मुमुक्षु को एक ही लेवल पे होनी चाहिए। ज्ञानी पुरुष पे भक्ति इस प्रकार से आवे कि वो हमारा व्यवहार भी निभाते हैं, उसमें हमको हेल्प करते हैं, तो गड़बड़ है वापिस। इसीलिए भक्ति नहीं आनी चाहिए, भक्ति तो इसीलिए आनी चाहिए कि वो हमारे संयोग का ध्यान रखते हैं, इसलिए नहीं, हमारे आत्मा का ध्यान रखते हैं। ऐसा मार्ग ऋषभ आदि महापुरुषों ने भी कहीं कहीं जीव की गुण निष्पन्नता के लिए माना है। यह हमारा निजी विचार है, ये कोई अंगत जिसको बोलते हैं प्राइवेट, कम करें भी ना भी करें, ये कोई जनरल रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। और ऐसे आचरण का सत्पुरुष के लिए निषेध नहीं है। अगर सत्पुरुष इस प्रकार से स्वयं करना चाहे तो उसके लिए कोई बाधा नहीं है। क्यों? कि वो गिरने का नहीं है, वो आगे पीछे सब सोच करके करेगा, किंतु किसी तरह उसका कर्तव्य भी है, यही साधारण भी प्रेम है, उसका वात्सल्य भाव है, स्थितिकरण गुण है। यदि वह विषय या वह सेवा चाकरी मात्र सन्मुख जीव के परमार्थ को रोधक होती है कि सत्पुरुष सेवा करे सामने वाले की और उसके छूटने की भावना खत्म हो जावे या उसको बाधा आवे, अगर ऐसा अगर होता है तो सत्पुरुष को भी ऐसे भाव का उपशमन करना ही चाहिए, तो फिर वो सेवा चाकरी नहीं करना, किसी भी कीमत पे नहीं करना। देखो, हर हालत में सेवा करे तो भी वो सामने वाले का आत्म कल्याण, न करे तो भी, रिस्पॉन्स देवे तो भी आत्म कल्याण सामने वाले का, नहीं देवे तो भी, नजीक बिठाए तो भी आत्म कल्याण का ही, सामने वाले का आत्म कल्याण हो गए ऐसा ही भाव, और दूर चले जावे तो उसमें भी उसका आत्म कल्याण का ही भाव रहता है। सदगुरु की कितनी विशाल दृष्टि होती है, किसको नजीक लाना, कब दूर कर देना, कब कैसे करना, कब उसका प्लानिंग रहता है। न्यूटन असंगता होने या सत्संग के योग का लाभ प्राप्त होने के लिए आपके चित्त में ऐसा रहता है कि केशवलाल त्रंबक इत्यादि से ग्रह व्यवहार चलाया जा सके तो मुझसे छूटा जा सकता है, अन्यथा आप उस व्यवहार को छोड़ सके वैसा कुछ कारणों से नहीं हो सकता है, ये बात हम जानते हैं, फिर भी आपके लिए उसको बार बार लिखना योग्य नहीं है, ऐसा जानकर उसका भी निषेध किया है। कि नहीं, आप नहीं कर सको तो केशवलाल को बोलो, त्रंबक को बोलो, वो भी नहीं, यहां से तो कोई वायद मिलने वाली नहीं है। टारगेट क्या है? रस को तोड़ना है ना अंदर को। हाँ, तो मैं छूट जाऊं तो मैं फिर इधर आ जाऊं, इधर ही आ जाओ तो बोल रहे, ऐसा भी भाव रखना आपको ठीक। अभी आखिरी का तो जरा जल्दी जल्दी लिया है लेकिन टाइम भी होगा। आता है मलिन, जीव के परिणाम कब ऐसा है, जीव का परिणाम कब कैसे होता है तो उदय गत है बिल्कुल, लेकिन संभाल रखना जहां तक हो गए, सावधानी का पत्र है, बहुत ध्यान रखने योग्य पत्र है। रस के ऊपर बहुत मार है, संसार का रस है ना, वो नहीं रहना चाहिए। ये बहुत बढ़िया पत्र आया अपना, तो मेन जो आखिरी का पैराग्राफ ज्ञानी की तरफ से था तो उतना इसका इम्पोर्टेंस नहीं और टाइम भी नहीं इतना विवेचन करने का, जो मूल बात थी वो तो आ गई अपने इसमें, पत्र भी पूरा होगा।